इस मिथ्यात्व का कारण क्या है और हमारा पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक प्रश्न है कि इस जीव को, इधर ध्यान दें सभी, इस जीव को मिथ्यात्व है, मिथ्या ज्ञान है, इसका कारण कहते हैं, देखो सम्यक दर्शन का के कारण ज्ञान सम्यक हो जाता है, इधर ध्यान दो आप, और मिथ्या दर्शन के कारण ज्ञान मिथ्या हो जाता है, ठीक है। तो प्रश्न हुआ ये कैसी व्यवस्था है कि मिथ्या दृष्टि जान रहा है ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक है तो उसका जानना सम्यक है, और सम्यक दृष्टि कह रहा है ये कौन सा ग्रंथ है, हमें तो नियम सार लगता है, तो ये जानना उसका मिथ्या है। ऐसा समाधि तंत्र जी में लिखा है, सम्यक दृष्टि आधा पागल हो जाए या पूरा पागल हो जाए लेकिन फिर भी उसके ज्ञान वैराग्य शक्ति रहती है, और मिथ्या दृष्टि पूरा सचेत रहे लेकिन उसके ज्ञान वैराग्य शक्ति नहीं है, वो चलता फिरता मुर्दा है। तो ये कितनी नाइंसाफी है, मिथ्या दृष्टि का सब जानना मिथ्या। आप उससे पूछो कि भाई फला फला शास्त्र में क्या लिखा है, गाथा सहित बताएगा वो, इस पेज पर प्रवचन सार में इस गाथा की इस टीका में ये लिखा है। सुना आपने हेमचंद जी साहब को कैसे लगातार धड़ाधड़ बोलते थे, तो ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन कहते हैं वो जानना मिथ्या है। और सम्यक दृष्टि बोले कुछ बोल नहीं पाए, पूछो तो जवाब नहीं दे पाए, सही से बिहेव नहीं करे, हमें समझ लग भी नहीं सकता कि ये सम्यक दृष्टि भी हो सकता है क्या, और वो सम्यक दृष्टि है। तो बोले ऐसा क्यों है, बोले उसका प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में बिल्कुल सही निर्णय है। किसका? सम्यक दृष्टि का। और मिथ्या दृष्टि का प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में गलत निर्णय है। तो बोलते क्यों, मिथ्या दृष्टि का क्यों गलत निर्णय, सम्यक दृष्टि का क्यों सही निर्णय? अब जरा इसको समझते हैं। समझिए, आप मेरठ से गए बॉम्बे, ठीक है, और बॉम्बे गए, आपके पास सिर्फ 1000 रुपए पॉकेट में है, और आप बॉम्बे के मार्केट में गए, आपका पहला कर्तव्य क्या था स्टेशन पर उतरते समय, कि हम आने का टिकट ले लें, ठीक है, आपके पास सिर्फ 1000 की पूंजी है, तो बॉम्बे गए आप, तो पहला आपका कर्तव्य होना चाहिए हम 1000 से आने का टिकट ले लें, तो जितने पैसे बचे जितनी हम खरीदारी कर पाए सो कर पाए, लेकिन आने की अश्योरेंस हो जाए। अब बताइए, जो व्यक्ति मुंबई उतरते ही साथ मार्केट में जाके खूब खरीदारी करे और जैसे ही स्टेशन पे आए और जेब में हाथ डाले तो हाथ में कुछ नहीं, तो आप उसे समझदार कहेंगे कि मूर्ख कहेंगे? ठीक है, उदाहरण ज्यादा नहीं लंबा था। ऐसे देखो आप, हम सभी के पास थोड़ी सी ज्ञान की पूंजी है, थोड़ी सी ज्ञान की पूंजी है, और ऐसा ज्ञान है कि एक झटका लगे तो सबका सब भूल जाए। आपने बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों को पागल होते हुए देखा होगा, थोड़ा सा बात पित्त कब बिगड़ते हैं सब भूल जाते हैं, तो ऐसा तो खराब सा हमारा ज्ञान है। मैं किस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, बोले सम्यक दृष्टि का सब जान, प्रयोजनभूत तत्वों को क्यों जानता है और मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं जानता? मिथ्या दृष्टि के पास जितनी पूंजी है उस पूंजी को वो जिनसे कुछ काम नहीं होना है उनमें जानने में तो बहुत लगाता है, और जिससे हमारा संसार और मोक्ष का फैसला होना है, जिससे हमारा ये निर्धारित होना है कि हम कितने काल संसार में रहेंगे, हम सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे, ऐसे प्रयोजनभूत तत्वों को जानने में नहीं लगाता, बाकी सब जानने में लगाता है। उससे आप पूछो भाई कैसा कैसा हिसाब होता है, कहां GST चलता है, कैसे कैसे काम, वो सब बता देगा। उससे ये पूछो भाई सुख कैसे मिलेगा, इस आत्मा को कैसे जाने, इस जीव को दुख क्यों हो रहा है, बोले ये सब बातें आप अपने पास रखो। तो गलती ये है,
यही गलती हो रही है। टोडरमल जी साहब ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे कोई किसान है, वो जुताई समय पे, माने खूब जुताई करे खेत की, खूब जुताई करे, लेकिन समय पर बीज नहीं दे तो क्या उसको फल मिलेगा? पर जो किसान भले ही खेत की जुताई ज्यादा ना करे लेकिन समय पर बीज डाल दे तो फिर भी उसको फल मिलता है। उसने खेत पूरा नहीं जोता, ट्रैक्टर नहीं चलाया, ज्यादा नहीं किया, लेकिन इतना काम किया, बस समय पर बीज डाल दिया उसने, तो उसको फल मिल गया। और जिस किसान ने पूरा समय जुताई में ही लगा दिया, बड़े बड़े ट्रैक्टर लाके बहुत खेती की, लेकिन समय बारिश का आया और उसने बीज नहीं डाल पाया, बस जरा सोचिए क्या ऐसी स्थिति हमारे साथ तो नहीं हो रही है? क्या हम अपना पूरा उपयोग कुछ ज्ञान को बस कंठ का हार बनाने में तो नहीं लगा रहे हैं? ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी इकट्ठा कर लें, ये भी पढ़ लें, इनके भी प्रवचन सुन लें, उनके भी प्रवचन सुन लें, यहां चले जाएं, वहां चले जाएं। अरे भाई, पहले प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय कर लो, पहले ये निर्णय कर लो ये जीव क्या है, कैसा है और कैसे इसको सुख मिलेगा। बस चार बातें हैं, मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, फिर से मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, और मैं सुखी कैसे हो सकता हूं और मैं दुखी क्यों हो रहा हूं। बस ये चार बातें हैं, बस इनका निर्णय कर लो, फिर उसके बाद जितनी पूंजी है फिर आप खूब खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब उपयोग लगाओ, खूब अभ्यास करो। ऐसा आचार्यों ने लिखा है, अंतो नत्थि सुइणम कालो थो वयम चदुम मेहा तमणवरी सिखी अव्वम जम जर मरणम विमोकई। बोले अंतो नत्थी सुइयम, शास्त्रों का अंत नहीं है, कालो थो काल बहुत थोड़ा है, और वयम च दुम्मेहा हम दुर्बुद्धि हैं, हम शास्त्र सुनते कुछ हैं और समझ में कुछ और आता है, कहते हैं खेत के सुनते हैं खलियान की, तो फिर क्या करना? पहले पहले ऐसी चीज पढ़ लेना, ऐसी चीज का नक्की कर लेना, ऐसे तत्वों का निर्णय कर लेना जिससे जन्म जरा मरण का नाश हो जाए, फिर जितना ज्यादा ज्ञान है उसको हम लगाएं। ये बात बहुत मार्मिक है, इस प्रकरण में पंडित जी साहब ने लिखा, बोले उनको जानने में तो उपयोग लगाता है जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, और जिनसे प्रयोजन सिद्ध होता है वहां उसने हथियार डाल दिए, वहां कहता हमें बात समझ में नहीं आती है, हमें तुम्हारी आत्मा की बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती है, तो बोलते ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। देखो, ज्ञान में जितना अयथार्थपना होता है, देखो एक प्रकरण लेते हैं, जैसे किसी पुरुष को जीव को प्रयोजन भूत जीवादि तत्व और अप्रयोजन भूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है, उनका पूंजी है उसके पास, 1000 रुपए है, वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वो अप्रयोजन भूत हो उन्हीं का वेदन करता है, प्रयोजन भूत को नहीं जानता। अब ये सबसे बड़ी समस्या है, जिनसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है उन चीजों को जानता है। अब जरा देखो गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र देखो, आप अपने श्वेतांबर अवस्था के जीवन काल में इतना मोटा 1,00,000 श्लोक प्रमाण वाला भगवती सूत्र ग्रंथ है, उसको 17 बार पढ़ा, और एक दिन तो 10,000 श्लोक प्रमाण पढ़ लिया था 4-5 घंटों में, बहुत अभ्यास था गुरुदेव का, करणानुयोग का भी बहुत अभ्यास था, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन पंच परमागम और इस अध्यात्म के प्रभावना में, अध्यात्म की आराधना में ही लगा दिया। इससे क्या समझ में आता है? बोले ये सब काम तो हमने अनंत बार किए, द्रव्यलिंगी होकर के 11 अंग और 9 पूर्वों का अनंत बार अभ्यास किया, लेकिन आप देखो फिर भी काम तो नहीं बना ना। तो अब इस भाव में थोड़ा उसको अब गौण करते हैं, जिनसे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है उन बातों का बैठ करके विचार करके निर्णय करते हैं।
अभी आप देखो सुबह कितनी अच्छी चर्चा आ रही है। ऐसा लगता है कि पारिणामिक भाव कुछ ऐसा अद्भुत तत्व है जिसकी चर्चा हमने अनंत कालों में नहीं सुनी, और सुनी भी हो तो कभी विचार नहीं किया, विचार भी किया हो तो कभी निर्णय नहीं किया, निर्णय भी किया हो तो कभी अनुभव नहीं किया। कि कितना उत्तर दुर्लभ है। पहले तो पारिणामिक भाव की शब्द कान में पड़ना बड़ा दुर्लभ है। अभी क्या, एक तो इसमें रस नहीं आता। पारिणामिक भाव क्या होगा उससे? कुछ अच्छी बातें बताओ, किस गुण स्थान में किस प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है, किस में क्या होता है, मुनिराज के कौन कौन से गुण हैं, जरा इन बातों की चर्चा करो। क्या पारिणामिक भाव, मजे ही नहीं आता, उपयोग रमता नहीं है। तो मैंने कहा पहले चर्चा सुनना बड़ा दुर्लभ, फिर चर्चा सुनने में आई तो उपयोग लगना बड़ा दुर्लभ, उपयोग लगने में आए तो निर्णय नहीं करता, और निर्णय कर ले तो अनुभव नहीं करता। तो हम सभी के महान पुण्योदय से ये चर्चा हमको सुनने को मिल रही है। बैठकर हमें इसका निर्णय करना चाहिए कि पारिणामिक भाव मैं ही हूं, इस जितनी भी शब्दावली आ रही है ये मेरा ही स्वरूप है, ऐसा अंदर से अगर लग जाए तो ये समझ लीजिए हमारा मनुष्य भाव सार्थक हो जाएगा।